हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जन्माष्टमी आ चुकी है, हम बना लेते हैं धनिया पंजीरी। वैसे तो धनिया पंजीरी ही जन्माष्टमी के समय बनाई जाती है, लेकिन बच्चों को हमेशा आटा पंजीरी ही पसंद आती है। आपका मन हो खाने का तब भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए धनिया पंजीरी की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस ऑन कर दिया है। इसमें हमने डाल दिया है 1 कटोरी धनिया, ये साबुत धनिया है। जब हम साबुत धनिया को पीस कर पंजीरी बनाते हैं तो इसका जो टेस्ट है काफी अच्छा लगता है और पंजीरी भी खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है। सबसे पहले धनिया को हमने साफ कर लिया था, इसमें जो डस्ट है वो हमने निकाल दिए हैं। धनिया को लो मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें रोस्ट करना है, यानी कि जब तक धनिया का कलर चेंज हो जाए तब तक इन्हें हमें भुनना है। ये जो धनिया है 2 से 3 मिनट में भुनकर रेडी हो जाता है। इसे लगातार चलाते हुए हम इन्हें भून लेते हैं। ये जो धनिया है अच्छा भुन चुका है, इधर गैस के फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। जब तक हमारा धनिया ठंडा हो रहा है तब तक हम इधर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है। जैसे ही घी मेल्ट हो इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी कटोरी बादाम। कसा हम रोस्ट कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर ये जो बादाम है वो हल्के से रोस्ट हो गए हैं, इनका जो कलर है वो भी काफी चेंज हो गया है। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। फ्लेम तेज था तो हमने इसे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। इसमें हम डाल देते हैं हम 1 छोटी कटोरी काजू। इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेते हैं। ये जो काजू है बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए इनका कलर चेंज होने तक इन्हें भी फ्राई कर लीजिए। इधर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। जो काजू है वो नहीं तो जल सकते हैं। और ये देखिए ये जो कलर है इनका चेंज होने लगा है, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। काजू और बादाम फ्राई होने के बाद जो घी बच गया है इसमें हम डाल देते हैं मखाने 1 छोटी कटोरी। इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इधर भी जो गैस के फ्लेम को हमने बीच बीच में बंद कर दिया था क्योंकि हाई फ्लेम की वजह से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको जलने का डर है, इसलिए हमने बीच बीच में गैस के फ्लेम को स्लो कर दिया था। लगातार चलाते हुए यहाँ मखाने को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। देखिए जो मखाने हैं उनका भी कलर काफी चेंज हो गया है, भी काफी अच्छे रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। ये जो हमारा धनिया है साबुत धनिया, ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर इसका एक पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए जो हमारा धनिया है ये हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसना और ना ही ज्यादा मोटा। जब हम साबुत धनिया की ताजी पंजीरी बनाते हैं तो काफी स्वादिष्ट लगती है। इधर पैन में हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो इसमें हम डाल देते हैं खरबूजे के बीज, मगज के दाने। इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। उसके दाने हैं वो 1 से 2 मिनट के अंदर भुनकर तैयार हो जाते हैं। मगज के जो दाने हैं वो जब भुनने लगते हैं तो उचटते हैं ऊपर की तरफ, इसलिए आप उन्हें कवर करते हुए इस प्रकार से भून लीजिए। अब इसमें हम डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर कटा हुआ नारियल भी ले सकते हैं। इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं और जो नारियल का कच्चापन है वो भी थोड़ा निकल जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, जो हमारा नारियल और मगज के दाने अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। और जो धनिया पाउडर इसे भी हम साथ में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो साबुत धनिया था उसे हमने पहले से ही रोस्ट करके रखा हुआ था, इसलिए हमें
ये पिसे हुए धनिया पाउडर को ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी, ताकि जो पंजीरी बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगे। ये जो धनिया है हमारा काफ़ी अच्छा भुन चुका है। इधर हम गैस की फ्लेम को कर देते बंद। इसे हम एक प्लेट को निकाल लेते हैं। जो हमारे काजू और बादाम है इसे भी हम हल्का सा दरदरा कर लेते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट थे इन्हें हमने हल्का सा दरदरा कर लिया है, क्योंकि जो बच्चे हैं साबुत रहते तो निकालते हैं, इसलिए आप इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं। मखाने हैं इन्हें भी हमने दो टुकड़े में तोड़ लिया है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाए इसमें हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी पूरा, यहाँ पर आप पिसी हुई शुगर पाउडर भी ले सकते हैं, और मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी किशमिश। किशमिश को हमें फ्राई नहीं करना है, ये ऐसी ही अच्छी लगती है। और इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन्हें हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।